गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एसएस बकुत्रा चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ एक नया वीडियो लेके आई हूँ कि घर की चीजों से हम कैसे फेशियल करेंगे। घर में जो भी नेचुरल चीजें हैं हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही बढ़िया फेशियल करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फेशियल करने के लिए यहाँ पे मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ कॉफ़ी का, ये मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। तो कॉफ़ी के अंदर होती है एंटी एजिंग बेनिफिट्स और ये एक्ने को ट्रीट करता है, आपके डार्क सर्कल को ट्रीट करता है और इसमें विटामिन B3 होता है। और उसके बाद मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ग्रेम फ्लोर का। तो ये ग्रेम फ्लोर है, ये एक्ने को ट्रीट करने में हेल्प करता है और चेहरे पर जो भी टैन होती है उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है और डेड स्किन को भी चेहरे से हटा देता है, इंस्टेंट फेयरनेस देता है और जिनको भी ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है उनको ऑयल रिडक्शन का भी काम कर देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी। तो एलोवेरा जेल अगर आपके पास नेचुरल हो तो आप उसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो एलोवेरा में विटामिन A, C और E होता है और ये आपके सन डैमेज को भी रिमूव कर देता है, रिपेयर कर देता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और इसमें 98% वाटर होता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है और आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट भी करता है। उसके बाद मैं फेशियल में फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ जो मैंने दूध में से निकाली हुई है। ये फ्रेश क्रीम है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और स्किन को ब्राइट और ग्लोई भी बना देती है और स्किन की इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज करती है। उसके बाद मैं टर्मेरिक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जो ये टर्मेरिक होती है ये एक्ने स्कार और डार्क सर्कल को रिमूव करती है और स्किन को गोल्डन ग्लो देती है और आपके चेहरे पर जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं उसे प्रिवेंट करने में भी टर्मेरिक हेल्प करती है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ शुगर का। अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे पास नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने वाइट शुगर का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ब्राउन शुगर है उसमें ग्लाइकोसिड एसिड होता है जो आपके चेहरे को फेयर बनाता है और जो शुगर है उससे आपके चेहरे के जो स्कार है वो भी रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लेमन का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ जिसमें विटामिन सी होता है और ये स्किन के डैमेज को रिड्यूस करता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे हनी का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो हनी है ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है और जो पोर क्लींजर है उसका भी काम करती है और आपके चेहरे पर जो भी स्कार है उसे लाइटन अप करने में भी ये यूजफुल है और चेहरे पर जो भी एक्ने या पिंपल है उसे भी ये रिड्यूस करने में हेल्पफुल है और एंटी एजिंग इसमें प्रॉपर्टीज होती है, उसकी वजह से आपके चेहरे पर जो भी रिंकल्स या फाइन लाइंस है उसे भी रिमूव करने में ये हेल्पफुल है और स्किन को ग्लो तो देती ही है। यहाँ पे मैं मिल्क का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो मिल्क है उसमें होती है विटामिन B, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को क्लींस करता है और इसमें एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज होती है जिससे आपको सनबर्न या जो टैनिंग सन की वजह से होती है उसे रिमूव करने में भी हेल्पफुल होता है और ये स्किन को ग्लोई और फेयर बनाता है और इसमें एंटी एजिंग एंड एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज भी होती है। तो फेशियल करने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मेरे बालों को भी मैंने बांध लिया ताकि बाल खराब ना हो। तो चलिए हम फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ फेशियल करने के लिए आइस का इस्तेमाल करूँगी और आइस को मैं यहाँ मेरे चेहरे पर रब करूँगी ताकि जो मेरे पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए। अगर आप चाहे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको आइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आइस लगाएंगे तो आपके फेशियल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने आइस को अपने चेहरे पर रब कर लिया है और अब हम फेशियल को स्टार्ट करेंगे। आइस लगाने के बाद चेहरा बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाता है और फ्रेश फ्रेश फीलिंग आने लगती है। तो चलिए मैं आपको पहला स्टेप दिखाती हूँ। पहले स्टेप में हम फेस को क्लींस करेंगे। तो क्लींस करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ मिल्क और बेसन का।
मैंने क्लींजर के लिए 2 चम्मच क्रेम फ्लोर लिया है और 2 चम्मच मिल्क को लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो चलिए इसे हम चेहरे को क्लीन करते हैं। आपको चेहरे पे इसे अप्लाई करना है और उसके बाद अच्छे से चेहरे पर मसाज करना है, जिस तरह से आप फेस वॉश से फेस को क्लीन करते हैं या किसी भी क्लींजिंग मिल्क और क्लींजर से क्लीन करते हैं, उसी तरह से हम इससे भी चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। हमें इस तरह से चेहरे पर इसे अप्लाई करना है और अच्छी तरह से चेहरे को क्लीन करना है। हमें गले पर भी इसको अप्लाई करना है ताकि हमारे चेहरे और गले का जो टोन है वो चेंज ना हो जाए। अगर मसाज करते वक्त आपको ये जो स्टिकीनेस फील हो आपके हाथों में, तो आप थोड़ा सा मिल्क हाथ में लीजिए और उससे मसाज कीजिए ताकि आपका हाथ है वो अच्छे से मूव हो सके। हमें इसे 2 मिनट तक मसाज करना है और उसके बाद हमें इसे पानी से क्लीन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पानी से चेहरे को अच्छे से धो लिया है और आप देख सकते हैं मेरा चेहरा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ 3 इंग्रेडिएंट्स का, कॉफी, शुगर और हनी। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्क्रबिंग के लिए कॉफी, हनी और शुगर तीनों को मिक्स कर दिया है और चलिए अब हम इसे चेहरे पर अप्लाई करते हैं और चेहरे की स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग करने से हमारे चेहरे में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें चेहरा गरम गरम लगने लगता है। तो इसे भी हम 2 मिनट तक मसाज करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। अगर स्क्रबिंग करते वक्त हनी की वजह से आपको स्टिकीनेस फील हो और उसकी वजह से आपके हाथ अच्छे से रब ना हो, तो उसके लिए अगर आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी वही कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी लेती हूँ ताकि हाथ है वो अच्छे से रब हो। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेप को खत्म करती हूँ और मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ चेहरा धोने के बाद। तो अभी मैंने फेस को वॉश कर लिया और सीधा रिजल्ट गाइस, स्क्रबिंग के बाद बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो अब हम करेंगे इसके बाद थर्ड स्टेप, हम जेल बनाएंगे। हम 2-3 स्टेप में नहीं फेशियल करने वाले, हम पार्लर स्टाइल में करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड स्टेप जेल। और जेल के लिए यहाँ पे मैं 3 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाली हूँ, हनी, लेमन और एलोवेरा जेल। तो मैं अभी आपको ये बना के दिखाती हूँ। तो थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने हनी और एलोवेरा जेल दोनों 1-1 टेबलस्पून ले लिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन ऐड करूँगी। आपको थोड़ा ही ऐड करना है, 1/2 टेबलस्पून जितना, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चेहरे पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया है और देखिए, और अब मैं इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगी और इसे अच्छी तरह से मसाज करूंगी। तो गाइस मैंने 2 मिनट के लिए मसाज कर लिया है और अब मैं आपको फेस वॉश करके इसका भी रिजल्ट दिखाती हूँ। तो फेस वॉश होने के बाद अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरा फेस है वो कितना ग्लोई और फ्रेश लग रहा है। तो
अभी हम करेंगे फोर्थ स्टेप, अभी हम क्रीम बनाएंगे। बनाने के लिए यहाँ पे मैं दो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाली हूँ, टर्मेरिक और क्रीम का। तो चलिए अब हम हमारे फोर्थ स्टेप के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्रीम ली हुई है, तो क्रीम में आपको टर्मेरिक का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ही कम। आपको ज़्यादा टर्मेरिक का इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टर्मेरिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाएगा, और हमें इतनी येलोइश गोल्डन शाइन की ज़रूरत नहीं है। तो आपको थोड़ी ही थोड़ी वन पिंच ऑफ टर्मेरिक का ही इस्तेमाल करना है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ और आपको इसका भी रिजल्ट दिखाती हूँ। तो क्रीम और टर्मेरिक को अच्छे से मिक्स करके मैं इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ और इसे अच्छे से मसाज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो इसे भी हम 2 मिनट तक मसाज करेंगे और उसके बाद हम चेहरे को वॉश कर लेंगे। आपको मसाज करने के लिए बहुत जोर से खींचने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने फिंगर टिप से भी अच्छे से रब करेंगे तो फिर भी अच्छा मसाज हो जाएगा। तो अब मैंने 2 मिनट तक मसाज कर लिया है और अब मैं आपको गर्म पानी से चेहरा धो के उसके बाद आपको इस स्टेप का भी रिजल्ट दिखाती हूँ। लुक गाइस, अभी मैंने चेहरे को वॉश कर लिया है और देखिए स्किन बहुत ही शाइन कर रही है। तो अब हम करेंगे हमारा आखिरी लास्ट स्टेप, फेस पैक बनाएंगे पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ग्रेम फ्लोर का, थोड़ा सा मिल्क लूंगी, उसमें थोड़ी सी हनी डालूंगी और थोड़ी सी कॉफी डालूंगी और फिर उसे हम चेहरे पर अप्लाई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने फेस पैक बना लिया है, तो अब मैं इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगी। और हाँ, आपको गले को बिल्कुल नहीं भूलना है, इसे अपने नेक पर भी अप्लाई करना है। अब मैंने फेस पैक अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया है और इसे अब मैं 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पर रखूंगी और उसके बाद मैं अपने चेहरे को धो लूंगी। तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आप सबसे और दिखाती हूँ पूरे फेशियल का रिजल्ट क्या मिला है मेरे चेहरे पे। सो गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फेस पैक है वो बिल्कुल सूख चुका है और इसे मैंने अपने चेहरे पर 15 मिनट के लगा के रखा हुआ था। तो अब मैं इसे पानी से वॉश करती हूँ और फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो अभी मैंने चेहरे के ऊपर से फेस पैक था उसे निकाल दिया है और चेहरे को क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा चेहरा है और स्किन है वो काफ़ी ग्लोई, शाइनी और फ्रेश लग रही है। तो देखा ना आपने, हम लोग घर की चीज़ों से भी इजीली, बहुत इजीली फेशियल कर सकते हैं, हमें किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है और हज़ारों रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फेशियल आपका पॉकेट फ्रेंडली ही रहेगा, तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।